कि आपको यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। मैं इस मामले में थोड़ा सा अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि महाराजा कॉलेज से जैसे मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया और मेरी नौकरी लग गई, और उस नौकरी लगने के बाद मैं यूनिवर्सिटी कैंपस को मुझे छोड़ना पड़ा, जिसके लिए कई कई बार मन में आज भी दुख होता है, क्योंकि जिस लेवल की शेप मैं अपने आप को देना चाहता था वो आज मुझे महसूस होती है, वो मौका मुझे नहीं मिला। मैं महाराजा कॉलेज से जैसे ही पास आउट हुआ तो प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम एंड एक्साइज में एसएससी के थ्रू लग गया था, वो जॉब मैंने 30 दिन की और उसके बाद मैं छोड़ के आ गया। फिर यूनिवर्सिटी में जाने की सोची और उसी दौरान मेरा सेकंड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और नियम कायदों से इतने परिचित भी नहीं थे, ना जानने की इच्छा रखते थे कि हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता था कि प्राइवेट भी पीजी हो सकती है, आगे जा सकते हैं। सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में काम किया, उसके बाद में मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में 2013 एसएससी से हुआ। दिल्ली में मैंने तकरीबन 18 से 19 महीने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में काम किया, उसके बाद तैयारी में आरएस की करने लग गया। आरएस की तैयारी की बड़ी रोचक कहानी है, वो मैं बताऊंगा। इस कार्यक्रम का नाम मार्गदर्शन रखा गया है। मार्गदर्शन और मोटिवेशन ये ऐसी चीजें हैं, मेरा मानना है कि आदमी के अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। केवल हम बता सकते हैं कि हमने ये किया है, वो यदि आप अपने आप को रिजेंबल कर पाते हो, आपकी और परिस्थितियां हमारी परिस्थितियां यदि समान है तो लग जाएगी, अदरवाइज सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं तो सबको अपने अपने रास्ते ढूंढने होते हैं, मेरा ये मानना है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं, आप कुछ सीख पाओ तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, आपके लिए भी अच्छी बात होगी। तो 18 महीने इनकम टैक्स की जब जॉब की मैंने, तो उसी दौरान 2013 का एसएससी दिया था और 2013 के एसएससी के अंदर एसएससी के दौरान ही 2013 का आरएस भी निकल गया था। और मेरा एक अच्छी बात ये भी रही कि रोजगार सेंटर वाला जो था मेरे गांव रिंगस में, वो मेरा दोस्त था, और रोजगार सेंटर वाला यदि आपका दोस्त है तो बहुत फायदा मिलता है, हर फॉर्म के 40 रुपए बच जाते हैं। तो वो मेरे फ्री में फॉर्म भर दिया करता था, तो उसके पास सारे डाटा पड़े रहते थे, तो उसी ने आरएस का फॉर्म भरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आरएस करूंगा, मैं तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता, हमें भी कुछ नहीं पता होता। तो आरएस 2013 का फॉर्म भर दिया, उसके बाद प्री लगी में फेल हो गया, पर थैंक्स टू आरपीएससी एंड अपनी जुडिशरी, उन्होंने फिर से कैंसिल किया, बोला दोबारा लो। दोबारा एग्जाम लिया, अब इनकम टैक्स में था, मेरी 49,000 सैलरी आ रही थी, दिल्ली में रह रहा था, मुझे किसकी लोड थी। तो मैंने कोई इतना ज्यादा सोचा नहीं, दोबारा एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, फिर फेल हो गए। अगेन थैंक्स टू आरपीएससी एंड जुडिशरी, इन्होंने रिजल्ट रिवाइज करवाया और रिजल्ट तकरीबन 17-18 फरवरी के आसपास आया था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 17-18 फरवरी के आसपास रिजल्ट आया था 2016 में, उसमें मुझे पास कर दिया। और एग्जाम की डेट भी बता दी कि 11 या 12 अप्रैल को आपकी एग्जाम है, तो आप एग्जैक्ट काउंट कर सकते हो कि 40 दिन है। इतने दिनों में मेरी वहां 15-16 साल की नौकरी हो गई थी इनकम टैक्स में, और मुझे मजा नहीं आ रहा था वहां पे भी, धीरे धीरे मजा खत्म हो गया था, क्योंकि कितने दिन चिल करोगे आप, है ना। तो मुझे लगा कि अब ये बदलना चाहिए, तो 40 दिन का टाइम था, मैंने मेरे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास गया, मैं ऐसे ऐसे मेरा प्रीलिम्स निकला है और मैं मैच देना चाहता हूँ, मुझे तैयारी करनी है। तो उन्होंने कहा कब एग्जाम, मैंने कहा 11 या 12 अप्रैल को है, तो उन्होंने कहा 40 दिन में क्या कर लेगा तू, क्योंकि हरकते तो वो भी जानते थे मेरी, पढ़ने वाला कितना है, उनको भी पता था कि पढ़ने वाला तो ज्यादा है नहीं, ठीक है, यहां भी काम नहीं करता तो वहां क्या पढ़ लेगा ये 40। पर एक चीज थी, अपने देखो जब भी कभी आपको लगता है ना कि कुछ होने वाला है, तो अपने अंदर से आने लग जाता है कि हाँ मेरा कुछ होने वाला है। तो मेरे अंदर भी फीलिंग आने लग गई थी कि हाँ कुछ तो होगा, अच्छा ही होगा। तो मैं 17-18 फरवरी को रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने 5-7 दिन सर से दोगोक लगाई, जो अक्सर अपन किया करते हैं, मैंने कहा साहब छुट्टी दे दो, नहीं दी उन्होंने। तो मैंने एक एप्लीकेशन छोड़ी वहां पर डाक में और मैं आ गया। आने के बाद आ तो गया, जोश था, जोश कुछ लोगों ने भी भर दिया, साथ वालों ने भी किया, प्रीलिम्स निकला है, तू आरएस दे, तू आरएस बनेगा, ऐसे वगैरह वगैरह करके जोश भर दिया। तो मैं उसी जोश में आ गया, यहां आने के बाद मुझे लगा कि करूंगा क्या मैं 40 दिन करूंगा, क्योंकि एक डर हमेशा रहता है और उसको मैं मानता हूं कि वो डर नहीं, वो बहुत बड़ा मिथ है,
मेरा आरएस न देने के पीछे कारण था कि मैंने 2010 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, 2010 में आरएस आया था, 2012 में आरएस आया था, 2013 का मात्र फोरम भरा था, तैयारी नहीं की। उसका एक बहुत बड़ा कारण था जो एक मिथ था, जो एक झूठा अपवाद जिसको अपन बोल सकते हैं, जिसके आधारित होकर मैं तैयारी नहीं करी। हमेशा लोग ये कहते थे कि जो 35 साल वाले लोग होते हैं, 100 साल जो अध्यापक से आते हैं, वही लोग आरएस क्रैक कर पाते हैं। जिन्होंने बहुत सारी कोचिंग की है 17-18 महीने, या जिन्होंने 4-4, 5-5 साल से तैयारी की है, वही लोग आरएस कर पाते हैं, अदर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अंदर भी ये था, सबने बताया, मैंने मान लिया कि अपने बस की है नहीं आरएस करने। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आते ही मैंने रूम ले लिया, जो अपना पहला काम होता है, ठीक है। 3-4 दिन रूम वूम लिया, सेट आउट किया, तो पूरा 1 मार्च तक का टाइम मेरा जा चुका था। अब मेरे पास एक मार्च हो चुका था, तो मेरे पास एग्जैक्ट 40 दिन बच रहे थे। मार्च का महीना बच रहा था और 10 दिन अप्रैल बच रहे थे, और 40 दिन में मुझे सब तैयारी करनी थी। बाकी टोंग फाटक गया, जितने भी जानकार थे, एक्चुअली मैं जब इस आरएस की तैयारी नहीं कर रहा था, तो मैं ऐसे लोगों से भी नहीं जुड़ा हुआ था जो पढ़ रहे हैं कोचिंगों वगैरह में, तो मुझे कुछ नहीं पता था, और कोचिंगों से थोड़ी सी मेरी बनती नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कभी कोचिंग गया भी नहीं, किसी भी चीज की नहीं गया। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ था कि आप कोचिंग नहीं जाओगे तो आपका आरएस में नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस चीज को मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि मैं कोचिंगों में नहीं गया, क्योंकि कोचिंगों का मटेरियल देखते हैं, इतना सारा तो वो प्रिंटेड मटेरियल देते हैं, ठीक है, इतना सारा तो एक एक सब्जेक्ट का, उसके बाद बहुत सारी किताबें बता देते हैं। इन सब चीजों से मुझे रूबरू होने का मौका नहीं मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन सबको। मैंने बात की टोंग फाटक गया, तो टोंग फाटक में क्या है कि अपने गाइड ग्रुप बैठे रहते हैं ना गाइड, ये पढ़ लो तुम, वो पढ़ लो तुम, वो पढ़ लो, उनके सबसे ज्ञान लिया। फिर कुछ जो लोग थे उनसे पूछा, तो कुछ बेसिक किताबें उन्होंने बताई कि भाई पॉजिटिव लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ लेना, इकोनॉमी यहाँ से पढ़ लेना, थोड़ी सी मैथ पढ़ लेना। मैथ तो खैर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं अच्छा रहा हूँ मैथ में शुरू से ही, और ये सब चीजें यहाँ से पढ़ लेना। तो मैं इकट्ठी करके किताब ले आया, 49,000 रुपए सहेले आ रही थी, किताब खरीदने में मुझे कोई दुख नहीं हुआ, बढ़िया मैं किताबें खरीद लाया। मैं तैयारी पर लग गया क्योंकि समय मेरे पास कम था, और जब मैंने पेपर लिखा तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। और पेपर लिखने में देखो एक चीज और बताऊं, एग्जाम हॉल में मेरे साथ क्या हुआ, जब आप कह रहा हूं ना, जब आपके अंदर आ जाता है ना कि मैं कुछ करने वाला हूं, तो सब चीजें आपको पॉजिटिव लगने लग जाती है। और मेरे साथ जब एग्जाम हॉल में बैठा, मेरी आदत शुरू से रही है, जब मैं एसएससी का एग्जाम देता था तब भी मैं जितने भी कमरे में और अभ्यर्थी बैठे रहते थे उन सबकी शक्ल देखता था। फिर एक चीज मन में और एक लाइन अपने आप को बोल देता था, इनसे 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 सबसे अच्छा हूं। इनसे तो पीछे कभी नहीं रहूंगा मैं, इतना मेरे अंदर आ जाता था कॉन्फिडेंस, मान लो चाहे इसको और कॉन्फिडेंस मान लो, कुछ भी मान लो, उसने मेरा काम किया। आराम से मेरे पेपर पूरे हुए, मैंने मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नंबर तो देने वाले पे है, देगा जो देगा, हमने करना था जो कर दिया, हमने अटेम्प्ट कर दिए सारे के सारे क्वेश्चन। और जब रिजल्ट आया तो मेंस निकल गया। अब मेंस निकल गया तो फिर वापस इंटरव्यू के लिए भी आना था, तो उन्हीं कमिश्नर साहब का ट्रांसफर तब तक नहीं हुआ था, उम्मीद थी हो जाएगा, ये बातें चल रही थी। फिर कमिश्नर साहब का नहीं हुआ, कमिश्नर साहब को जाके मैंने कहा कि सर मेरा मेंस हो गया है, तो बोले अच्छा हो गया है तुम्हारा मेंस, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। तो बोले मैं सर अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तो मेरे पास ही बैठ जाओ, मैं ही करा दूंगा तैयारी। क्या माफ करो, वो 55 साल का आदमी है, वो बिल्कुल भी नहीं तैयारी करवाएगा, वो लेटरी बनवाएगा मेरे से। तो मैंने फिर वहां से भाग के आया, क्योंकि फिर देखो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस एग्जाम में मुझे कुछ मिलने वाला है, तो मुझे उस जॉब की टेंशन ही हट गई थी। मेरी इनकम टैक्स वाली जॉब की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ मिलने वाला था, ये मुझे पहले से विश्वास था। इंटरव्यू की तैयारी की, बहुत सारी मिथ इंटरव्यू में फैले रहते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये सब करो वो सब करो, ऐसे कपड़े पहन लो, आदत अभी से बना लो, कपड़े एक दिन के होते हैं उसी दिन बढ़िया पहन के जाने, बाकी तो तुम पजामे टी शर्ट में घूमो, कौन पूछ रहे। पर आपका जो मेंटल प्रिपेयर करते हो अपने आप को, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट अपने को पहन के जाने हैं, उसको अंदर दबा के जाना है, वो सब बातें होती है, उसी दिन कर लेंगे अपन, पर मेंटली प्रिपेयर होना अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू फेस करने जब जाते हो आप लोग। तो मेरा भी यही था, इंटरव्यू के 15 दिन पहले मैं वहां से भाग के आया, वापस रूम लिया, ठीक है, रूम भी चलता सा रूम लिया था, क्योंकि सेटअप कौन करेगा 15 दिन के लिए। इंटरव्यू दिया, और फिर इंटरव्यू देने के बाद भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मुझे कोई ना कोई सीट मिलेगी। और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया, उस दिन नंबर ढूंढे मैंने, हालांकि मेरा लिस्ट में नंबर नीचे था,
पर जब मैंने सारा कैलकुलेशन बिठा के देखा तो मुझे लगा कि तहसीलदार तो मिल ही जाएगा, और मुझे तहसीलदार मिल गया, आरपीएस सर्विस मुझे अलॉट हो गया। ये मेरी 2013 की जर्नी थी। इस 2013 की जर्नी में जब पूरी की मैंने, तो मैंने एक ही चीज सीखी कि यार इंसान को है ना अपने आप लगने लग जाता है कि मैं किस फील्ड में अच्छा करूंगा और किस में नहीं करूंगा, और इसके लिए जरूरी है कि आप ट्राई करो चीजों को, और ये सब कुछ ट्राई करने का मौका आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है। यहाँ बहुत सारे, जब मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में आता हूं तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, बहुत अच्छे एथलीट यहां पर हैं, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है उनके साथ, होता यही है कि हम जैसे कोई आरएस आते हैं और उनको ज्ञान दे जाते हैं, जो उनका टैलेंट है उसको हम जुटला जाते हैं और उनको कह देते हैं कि तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। मेरा ये मानना है लोगों की कम सुनो, अपने मन की पूरी करो। शायद मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, पर दो तीन बातें हैं वो मैं बताऊंगा, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर से माफी मांगता हूं। शायद मजा भी आ रहा है, जब ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है ना तो बात करने का थोड़ा मजा भी आता है। और जो 15 मिनट बैठने वाले होते हैं वो एक घंटा भी बैठे रहते हैं, तो ये सब होता है जब इंसान को पता लग जाता है। और वही कह रहा था कि अपने मन की सुनो, अपने मन को जानो। इतने अच्छे अच्छे एथलीट मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड में दिखते, अभी भी कभी कभी शाम को मैं यहाँ पाया जाता हूँ, तो इतने अच्छे अच्छे एथलीट मुझे यहाँ दिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम तो बहुत ज्यादा, अभी जैसे सर ने बताया कि लॉ डिपार्टमेंट से जो फर्स्ट है वो यहां से आ रहा है, तो अकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जाना, सरकारी नौकरी लगना, यही सब कुछ नहीं होता है, मेरा ये मानना है। पर तैयारी जिनको लगता है कि हमें इसी फील्ड में जाना है उनको तैयारी भी करनी चाहिए, पर अपने आप को एक्सप्लोर कर लो। ये यूनिवर्सिटी टाइम ऐसा है जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। और क्योंकि मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली इसीलिए मानता हूं क्योंकि मुझे अभी ये पता नहीं है कि जिस सर्विस में मैं हूं क्या वो वास्तव में वही चीज है जिसे मैं चाहता था, क्या मैं अच्छा कोई प्लेयर हो सकता था, या मैं अच्छा एकेडमिशियन हो सकता था, या मैं रिसर्च में अच्छा कर सकता था, ये मुझे पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया इन चीजों को। तो आपके पास मौका है, अपने टैलेंट को पहचानो, और जिस दिन टैलेंट को पहचान के उसके अकॉर्डिंग काम करोगे मन से आने लग जाएगा। कभी कभी खेलने नहीं, क्रिकेट खेलने वाले जाते नहीं क्या, ये टीम देख लूंगा। दौड़ने वाले नहीं होते इतने कॉन्फिडेंट, अपने साथ वाले दौड़ने वालों को देखते हैं, बोले इनसे आऊंगा क्या, इनको कहीं का छोड़ दूंगा मैं, अपने आप मन में आने लग जाता है। और 2013 में थोड़ा बहुत अनुभव हो गया था कैसे तैयारी करनी है, तो 2016 में ज्यादा जोर आया नहीं, ठीक है, वही मजे मजे से तैयारी की, लोड ज्यादा लिया नहीं। एक स्ट्रेस की बात होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सो कॉल्ड दुकानें यहाँ पर चल रही है, दुकानें का मतलब समझ रहे होंगे, मैं उनको स्ट्रेस अड्डा बोलता हूँ। वो स्ट्रेस अड्डा इसीलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा हवा बनाई जाती है हर चीज की, तो इन चीजों से दूर रहो, अपना पढ़ाई करो, और जो खेलना चाहता है वो खेलो, जो करना चाहते हो वो करो, कुल मिला के बात यह है। स्ट्रेस से दूर रहो, ठीक है, और सफलता और असफलता केवल यहीं से डिसाइड नहीं होती कि आप आरएस बन गए या नहीं बने। कुछ लोग सफल लेट होते हैं, कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं, पर सफलता सबको मिलती है यदि वो अपने अंदर की जो मन है उसको पहचान लेंगे। थैंक यू वेरी मच।